हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, अधिक मास, जी हाँ दोस्तों, अधिक मास में सिर्फ आप ये पाँच दान करते हैं तो दोस्तों आपके सारे संकट मिट सकते हैं। दोस्तों, विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी, बिजनेस संबंधी या दोस्तों मकान लेने संबंधी कोई भी समस्या क्यों ना हो, दोस्तों इस अधिक मास में आप सिर्फ ये पाँच दान करते हैं तो आपके सारे संकट छूमंतर हो जाएंगे, आपकी आर्थिक तंगी तुरंत मिट जाएगी, पैसा आने के स्रोत बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, अधिक मास में ये पाँच दान अवश्य करें। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में करें इन पांच चीजों का दान, भगवान विष्णु का मिलेगा आशीर्वाद, धन धान्य की होगी प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में मल मास का विशेष महत्व है। आपको बता दे दोस्तों, मल मास यानी कि अधिक मास हर साल दोस्तों 3 वर्षों के बाद आता है। दोस्तों आपको बता दे कि मल मास यानी कि अधिक मास 3 वर्षों के बाद आता है। दोस्तों इस साल मल मास की शुरुआत हो गई है और दोस्तों इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वही पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। दोस्तों इस महीने भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। वही इस महीने कुछ चीजों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते दोस्तों ये चीजें कौन सी है। तो दोस्तों, नंबर 1, किताबों का दान। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में जरूरतमंद को और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से महा सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर 2, दीप दान। जी हाँ, शास्त्रों में अधिक मास के दौरान दीप दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों दीप दान करने से व्यक्ति का जीवन रोशनी से भर जाता है, साथ ही अंधकार मिटता है। इसलिए अधिक मास में घर और मंदिर में दीप का दान अवश्य करना चाहिए और दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो दोस्तों इससे आपको अखंड महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अवश्य करें। दोस्तों नंबर 3, नारियल का दान। नारियल का संबंध महालक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए दोस्तों अधिक मास के महीने में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। इसलिए दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है, साथ ही महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, वही जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों नंबर 4, पीले वस्त्रों का दान। दोस्तों अधिक मास में गरीब और जरूरतमंद को वस्त्र दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही अगर हो सके तो पीले वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों नंबर 5, जरूरतमंद और गरीबों को करें भोजन का दान। जी हाँ दोस्तों, अधिक मास में अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही ऐसा करने से महालक्ष्मी जी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, वही घर में धन धान्य का वास रहता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में कभी भी भोजन का दान कर सकते हैं। दोस्तों ये दान करने से आपके ऊपर महालक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बरसेगा। दोस्तों केला का दान करने से घर में सकारात्मकता आती है, तो दोस्तों केले का दान अवश्य करें, साथ ही घर परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों ये अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों ये 5 दान करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है। दोस्तों यदि विष्णु जी प्रसन्न हो गए तो महालक्ष्मी अपने आप खींची चली आती है। तो दोस्तों अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा।